नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम देख रहे हैं IMNB न्यूज। IMNB न्यूज का उद्देश्य सिर्फ यही है कि समाज में जागरूकता आ जाए। हम जूझ रहे हैं कोरोना काल से, कोरोना के संकट में हमको हिम्मत नहीं हारना है, हमको एक दूसरे का साथ देना है, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है, मुंह में मास्क पहनना है और सैनिटाइजर का उपयोग करना है। इसके साथ ही अपने आसपास ये भी देखना है कि कोई संकट और तकलीफ़ में तो नहीं है, उसकी मदद की जाए, प्रशासन के माध्यम से मदद की जाए, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मदद की जाए और स्वयं से भी कोशिश की जाए कि हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये संकट का घड़ी है। डरने का नहीं, लड़ने का है। और ऐसे ही घड़ी में हम देख रहे हैं कि कुछ नवयुवक जो PPE किट पहनकर एक घर में प्रवेश करते हैं और वहां से एक डेड बॉडी उठाते हैं, ये कोई सरकारी अमला नहीं है। ये वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा के पुत्र पंकज शर्मा हैं जो PPE किट पहनकर एक ऐसे परिवार में कोरोना से मौत के बाद पहुंच रहे हैं, बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए। ये उनकी पहल है, युवा पहल के नाम से उनके साथ युवा जुड़े हुए हैं और वह कोरोना प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं, कोरोना पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं। इस परिवार में कोई पुरुष नहीं होने के कारण अंतिम संस्कार के लिए वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा जी के पास जैसे ही सूचना गया, उन्होंने अपने पुत्र पंकज शर्मा को भेजा। पंकज शर्मा PPE किट पहनकर उस परिवार में पहुंचे अपने साथियों के साथ, सुरक्षा का पूरा ख्याल करते हुए वो ये समाज सेवा कर रहे हैं। इससे पहले हमने विशाल शर्मा के विषय में बताया था, ये भी हमारे क्षेत्रीय विधायक सत्यनारायण शर्मा के पुत्र हैं। इन्होंने भी PPE किट पहनकर लगातार कोरोना प्रभावित लोगों की मदद की है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन न करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा को बनाए रखकर आप मानवता का परिचय दे सकते हैं। मानवता का परिचय देने के लिए आपको आगे आना ही होगा। ये दौर संकट का है, सिर्फ पुलिस और प्रशासन और मेडिकल स्टाफ के भरोसे हम नहीं रह सकते, लेकिन इस दौरान हमें सावधानी भी बरतनी है और सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। स्वयं का सुरक्षा और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखकर ही हम किसी सेवी समाज सेवी कार्य को करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आप तक ये वीडियो पहुंचाने का हमारा उद्देश्य किसी को महिमा मंडित करना नहीं है, हम अच्छे कामों को सराहते हैं और जो कार्य समाज के लिए घातक हो, चिंताजनक हो, उन पर उंगलियां उठाते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करने का नहीं होता, हमारा उद्देश्य होता है कि वह अपनी गलतियों में सुधार लाए और समाज को उसका लाभ मिल सके। विधायक प्रतिनिधि गोपाल दीवान ने बताया कि भनपुरी धनलक्ष्मी नगर में एक परिवार में 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत कोरोना से हो गई। वो होम आइसोलेट थे, इसकी सूचना पर पंकज शर्मा पहुंचे और पंकज शर्मा ने उस परिवार में कोई और पुरुष न होने के कारण मृतक के शरीर को सावधानी पूर्वक अपने साथियों की मदद से अंतिम संस्कार के लिए ले गए। इस परिवार में मृतक की पत्नी और बेटी ही है, इसलिए आसपास के लोग भी घबरा रहे थे, उनके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था और प्रशासन, पुलिस और मेडिकल स्टाफ के पास भी व्यवस्था बढ़ी हुई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इस कार्य को करने में वरिष्ठ विधायक के पुत्र पंकज शर्मा ने अपनी भूमिका निभाई। उनके साथ युवा पहल के नाम से समाजसेवी युवा जुड़े हुए हैं और वो लगातार इस तरह की मदद कोरोना काल में कर रहे हैं। गोपाल दीवान ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कोरोना पीड़ितों की मदद की जा रही है। और डॉक्टर गोपाल ने बताया कि इस समय सावधानी बरतने का है, डरने का नहीं है। हर कोई मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करे, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंस का पालन करे। ये घड़ी लड़ने की है और हम तीन चीज़ों का ख्याल करके इस संकट से लड़ सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग। और उन्होंने कहा है कि बिना किसी ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं हमें कई समस्याओं से घेर रहा है, लेकिन एक बड़े संकट से भी
साफ बचा रहा है।